तो तुम्हारा स्वागत है माइंड कैफे एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं माइंड कैफे हॉरर वीडियोस को रिएक्ट कर रहा हूँ। या सो कमेंट सेक्शन में गेस करो क्या मैं उन हॉरर वीडियो से डरने वाला हूँ। सो हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट, एंड तो हमारा फर्स्ट आ रहा है वो है स्पूकी टून्स की तरफ से, एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। ये कुछ 4.5 मिनट का वीडियो है, सो स्टार्ट करते हैं। ये बात जुलाई 2019 की है, याद रखना बहुत काम आएगा। माइनक्राफ्ट को रिलीज हुए पिछले 2 महीने पहले 10 साल कंप्लीट हो गए थे। ओके हाँ। और ये गेम एक बार फिर से ट्रेंड कर रहा था। मैंने भी माइनक्राफ्ट को अपने पीसी में डाउनलोड किया और ये गेम मुझे काफी अच्छा लगा। एक हफ्ते बाद एक दिन रात में मेरे पेरेंट्स कहीं बाहर गए हुए थे। ओके। और मैं घर में अकेला था। मैं टाइम पास करने के लिए अपने रूम में माइनक्राफ्ट खेल रहा था। मुझे एक चीज जानना है, स्पेसिफिकली एक चीज मुझे कमेंट सेक्शन प्लीज बताना, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें घर में अकेला छोड़ के जाते हैं, हाँ या ना? ऐसा नहीं होता इंडिया में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उस टाइम तक मैंने अपने वर्ल्ड में काफी प्रोग्रेस कर ली थी और मैं माइनक्राफ्ट खेलना सीख गया था। हाँ। अचानक मेरे कंप्यूटर ने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। ओके। होता होता। और स्क्रीन पर एरर लिखा आ गया। फिर मेरे कमरे में एक रोशनी हुई। Yes. मैं इसे देखकर थोड़ा डर गया। सीपीयू लग रहा है या डब्बा लग रहा है बस। तभी अचानक वहाँ एक ब्लैक सर्कल टाइप का कुछ आ गया। तुम्हारे पास 2 सेकंड है, ठीक है, गेस करना अब इसमें क्या होने वाला। पहला ऑप्शन, इधर इसमें से कोई तो बाहर निकलेगा। दूसरा ऑप्शन, ये इसके अंदर घुस जाएगा। थोड़ा टाइम खत्म होता जाएगा, मैं बताता हूँ। ये इसके अंदर से घुस के जाएगा और वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। या, I was right. और मैं उसके अंदर चला गया। वो तो कॉमन है ना। अब वो क्या होगा, अब वो माइनक्राफ्ट के अंदर से निकलेगा। या आई एम राइट यार, देखना। एंड आई वाज राइट, वो माइनक्राफ्ट से निकलेगा। जब मेरी आंख खुली तो मैं चौंक गया। मैं उठकर खड़ा हुआ। कॉमन। मैंने देखा कि मैं अपने माइनक्राफ्ट के घर में था। ओके। मैंने अपने शरीर को देखा तो वो भी माइनक्राफ्ट के करेक्टर स्टीव के शरीर में बदल चुका था। मुझे लगा कि यह एक सपना है। जैसे ही मैं घर के बाहर निकला, क्यों निकला, अचानक मेरे सामने हवा में कुछ शब्द आने लगे। उनमें लिखा था, मुझे बिना अपने घर के अंदर जाए एक रात के लिए सर्वाइव करना होगा। आई गेस वहाँ पर वो लिखा था, आई गेस हु नोस क्या लिखा था वहाँ पर। और अगर मैं मर गया तो मैं हमेशा के लिए इस वर्ल्ड में कैद हो जाऊंगा। इसमें क्या बुराई है, गेम में कैद हो जाओ, खुशी खुशी कैद हो जाएगा भाई। तुम बताओ कमेंट सेक्शन में, तुम कैद होना प्रेफर करोगे गेम के अंदर। और मेरे सामने एक स्वर्ड आ गई, उसमें ये भी लिखा था कि सर्वाइव करने के लिए मैं बस उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने वो स्वॉर्ड, भाई ये स्वॉर्ड टूट क्यों लग रहा है, मैं इस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं करने वाला। मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं हमेशा के लिए उस वर्ल्ड में कैद नहीं होना चाहता था। ठीक है, मेंटली तैयार किया, मैं देखना चाहता हूँ ये बंदा सर्वाइव करेगा या नहीं। और एक ज़ॉम्बी मेरी तरफ आ रहा था। जाओ जाओ मार देगा इसको, मार देगा। स्वॉर्ड चलाई और वो मर गया। इससे मुझ में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। फिर दो ज़ॉम्बीज और मेरे पास आए और मैंने उन्हें भी मार दिया। नाइस। अब मुझे लगा kills, I mean. कि मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। फिर चार और ज़ॉम्बीज मेरे पास आ गए थे। 3+4 कितना होता है बताओ कमेंट। इस बार मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। या ओवर कॉन्फिडेंट, मर चुका होगा। उन्हें मारना शुरू किया, पीछे से एक क्रीपर मेरे पास आकर पड़ गया और मैं वहीं गिर गया। मैं बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है, मतलब तुम फाइट कर रहे हो किसी भी मॉब से और पीछे से क्रीपर आके तुम्हें मार दे और मर गया। मुझे लगा कि अब हमेशा मुझे उसी वर्ल्ड में रहना पड़ेगा। बट यहाँ पर होगा ट्विस्ट, प्लॉट ट्विस्ट। ये बंदा सपना देख रहा होगा, देखना मैं बता रहा हूँ। तभी मेरी आँख खुली। I was right. वही हो गया, देखो हमारा फर्स्ट वीडियो तो हो गया बहुत सही था। तो अगले वीडियो देखते हैं, अगला होगा एक हॉरर वीडियो जो हम चेकआउट करने वाले हैं। तो अगले शॉर्ट फिल्म का नाम है द बैलेरीना शॉर्ट फिल्म। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी। ओके, प्रीटी नाइस। स्टार्ट में 10 घंटे चलने वाले हैं, तो हम फॉरवर्ड कर लेते थोड़ा। अभी भी ये रूम के अंदर अभी है। बैलरीना का मतलब तुम्हें पता ना हो, बैलरीना मींस मतलब कोई डांसर होता है ना जो बैले डांस करता है, उसे बैलरीना बोलते हैं। आई डोंट नो इसके अंदर क्या स्केरी होने वाला है। आईफोन, आई डोंट नो ये नेल क्लिपर्स क्यों लगाते हैं, मैं पहली बार जैसे ये सब देख रहा हूँ। फास्ट एंड फॉरवर्ड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आगे, एंड लाइट्स का ऑन ऑफ होना। फर्स्ट सिंबल यहाँ पर भूत है, घर से बाहर निकलो। एंड आई नो टिपिकल हॉलीवुड, हम नहीं किसी से कम, भूत आए या ना आए हम यहीं पर रहेंगे। डांसिंग पोजीशन, आई थिंक तो 10 घंटे डांस होने वाला है। एंड मिरर्स लगे हैं चारों तरफ, आई थिंक तो समथिंग इज रिलेटेड द मिरर। वो बैकग्राउंड में से बहुत सी है, बेस का बैकग्राउंड के लिए मैं बताऊँ बहुत ओपी है।
भाई मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बैकग्राउंड को ऐसे जो गूज़बम्प्स आ रहे हैं ना, बहुत सही है। ओके लाइट सिग्नल दे रहा है, निकल, पहले फुर्सत में निकल। लेकिन नहीं, हम नहीं निकलेंगे। ओके किसी चीज की चटकने की आवाज आई थी, आई डोंट नो, एंड ये टेस्ट कर रही है मिरर विरर में। एट दिस पॉइंट मैं बता सकता हूँ यहाँ पर क्या होने वाला है। ये मिरर में ना जो तुम्हें दिख रही है, ये इस लड़की से अलग एक्शन करेगा इन फ्यूचर, आई थिंक सो। मीनवाइल ओके बहुत ओपी सिनेरियो रेडियो है, लेट्स सी। ओके व्हाट विल हैपन, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, आई वांट टू नो। मुझे लग रहा है ये लड़की इस मिरर के अंदर घिंचने वाली है। यस व्हाट द हेल, ओके व्हाट इज हैपनिंग, अब इसके आगे क्या होने वाला है, यही लिमिट है क्या? ओके समथिंग इज हैपनिंग बट आई डोंट नो व्हाट द हेल। मतलब ये क्या चल रहा, कॉम्पिटिशन कर रहे हैं दोनों हैं, शी इज फेलिंग, वो बार बार फेल कर रही है। ओके रेज रेज क्विट आई थिंक सो। ओके पैर गया काम से, माय गॉड मुझे लग रहा है इस वीडियो को सेंसर करना पड़ेगा मेरे को अब थोड़ी देर के बाद। ओके आईफोन, आईफोन इज रिंगिंग, आई थिंक समथिंग इज, मे बी वो फोन लेके कॉल करने वाली है। बट ओके व्हाट इज गोना हैपन राइट नाउ, नाउ व्हाट, मुंडी चटकाएगी क्या? माय गॉड भाई कमेंट करके बताओ किन किन लोगों को ये पसंद आया, मुझे बताओ यार, मुझे तो ये शॉर्ट फिल्म बहुत पसंद है, ये 10 out of 10 लायक है। तो अब हम कर रहे हैं ट्राई नॉट टू गेट स्केयर चैलेंज, सो लेट्स सी इसमें क्या होने वाला है, लेट्स गो देखते हैं अब क्या होने वाला है। फर्स्ट लेवल 1, ऐसा क्यों लग रहा है कोई मतलब संडास कर रहे हो, तुम्हें किसने पकड़ लिया खेतों में संडास करते वक्त, नॉट स्केरी एट ऑल। मुझे टिकटॉकर से क्यों याद आ रही है, यहाँ पर गिफ्ट्स अब आएंगे, लेवल 2 गिफ्ट्स, ये मेरे को सेंसर करना पड़ेगा, ये बहुत गंदा है। ओ दिस वन इज नाइस, ये सुपर सेंड हो रही है आई थिंक सो। लेवल 3 वीडियोस आ रहे हैं। A girl heard her mom yell her name from downstairs to head down. Okay. Sarah. As she got to the stairs, her mom pulled her into her room and said, I heard it too. Sarah! Okay. अब दरवाजा बंद कर पागल औरत। Stay in here and don't make a sound. अबे कॉल पुलिस, सेंसर्ड, दिस पार्ट इज गोना गेट सेंसर्ड, मेरे को यूट्यूब जिंदा नहीं छोड़ेगा इसके बाद। बिल्कुल आवाज नहीं करने का, क्यों निकलना है। मैं लास्ट वाली वीडियो में ना स्किप कर दिया, उसमें कोई कुछ भी चीज डरावनी नहीं थी, ठीक है तो हम इस वाला अब चेक करेंगे। In this first video, something very strange and difficult to explain happened. तो मैं तुम्हें समझाता हूँ, इसमें कुछ तो हुआ, ब्ला 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 ब्ला, और हम वीडियो प्ले करते हैं। The objective of this video was to record the behavior of a fox. Oh, मेरे प्रजाति के लोगों का बिहेवियर देखना था। Habitat. What for many was simple animal research quickly became a supernatural event. Supernatural? What the hell happened? In the video, you see a fox that started to eat the food put out by this group of people. Okay. Its behavior was normal, strange, as if it felt that something was wrong. पीछे मुड़ के क्यों देख रहा है? I mean, maybe कोई साइड से आ रहा होगा। Out of nowhere, an enormous black shadow appeared, tall and corpulent, moving at maximum speed and lunging at the fox. Level 2.
अब लेवल 2 की बारी है। इस वीडियो we see Laurie Simmons. Okay, इस वीडियो में ये औरत है जिसका नाम है लॉरी सिमन्स, तुम यहाँ देख रहे हो। Who was talking through a video call with जो वीडियो कॉल पे टॉक कर रही थी किसी से। जहाँ तक ये वीडियो में बताया जा रहा है ना, ये लॉरी है ना, ये घर में अकेले थी। But as she moves through it, behind her, you can see a child playing, trying to get out on camera. हैं, मैंने कहाँ दिखा? मैंने कहाँ दिखा बे? Salvation Army first, and see what I can find. कहाँ दिख रहा? ओ ओके, मैं फर्स्ट क्लिप प्ले करूंगा, मुझे देखना फर्स्ट क्लिप में था या नहीं। All with her friend Shanna Thomas. Number 3. We're at level 3. Apparently the girls were bored. मुझे पता है तुम सभी को इंग्लिश समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं प्ले करने जा रहा हूं, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा। टैबलेट, हियर्स द वीडियो। ओके, टैबलेट वो आते देखो मोबाइल में घोस्ट वाला ऐप, मुझे लग रहा है उससे जो प्रैंक किया भाई ये टोटल। One of them diabolic level 4. लेवल 4 देखते हैं क्या है। सो ये लास्ट वाला, इस वीडियो का पूरा लास्ट वाला, सो लेट्स देखते हैं इसमें क्या है। एंड वन द यू सी ए रूम डोर वेरी सेरीन क्वाइट एंड calm until little by little it becomes more disturbing. Better not continue. Here you have the video. A word of advice, be careful when watching it. So, ये वीडियो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें ये वियर्ड सा दरवाजा है, एंड व्हाट इज हैपनिंग मुझे पता नहीं। फॉर सम रीजन ये भूत वाले वीडियो है ना, लो रेजोल्यूशन है बहुत, मतलब एकदम बहुत। ओके गाइस, हो गया, तो मिलता है तुम्हें अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। मैं डर गया।